हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आप सबको गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है संडे, संडे मतलब सबकी छुट्टी और हम लेडीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा काम। तो आज के काम की शुरुआत करते हैं। चलिए, आज सुबह आठ बज चुके हैं। अभी 8 बजे हैं और मैं नहा के रेडी हो गई हूँ। और सुबह का काम लगभग झाड़ू वगैरह मैंने कर लिया है और पोछा वगैरह भी कर लिया है, पूजा वूजा कर लिया। उसके बाद मैंने भी सोचा आप लोगों से थोड़ी बात कर लूँ। उसके बाद चलते हैं, ब्रेकफास्ट बनाएंगे, उसके बाद लंच बनाएंगे, फिर और देखते हैं क्या क्या काम है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि मैं आज क्या क्या कर रही हूँ। और अगर हाँ, अगर आप लोग मेरे वीडियो में, मेरे चैनल पर आप अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मुझे आगे मोटिवेशन मिले और भी आगे काम करने के लिए। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और देखते हैं आज क्या क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आ गई हूँ रोटी बनाने के लिए। आटा मैंने पहले ही गूँथ लिया था। जब नहाने के लिए मैं जाती हूँ उससे पहले ही आटा वगैरह गूँथ के रख लेती हूँ, सब्ज़ी वगैरह काट लेती हूँ ताकि नहा के आने के बाद मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि नहा के आने के बाद मुझे बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ करना होता है, इसलिए मैं सब कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। और मे बी आज भी मैं सब कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँ, पर जितना हो पाया मैंने किया और मैं दिखा रही हूँ आपको। तो बस मैं रोटी बना लूँगी, उसके बाद सब्ज़ी कटा हुआ है और मसाला वगैरह तैयार करके जल्दी से सब्ज़ी बनाना है। तो नहा के आने के बाद सबको हड़बड़ी रहती है। वैसे जैसे कि अभी 8 बज गया, तो नहा ऐसे मैं नाश्ता बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी, सब्ज़ी बनाऊँगी, तब तक कि 9 बज जाएगा। 9 बजते बजते सबको नहा के आ जाते हैं सब लोग, फिर खाने के लिए सब रेडी हो जाते हैं। और फिर अगर मैं रिकॉर्डिंग में लग जाऊं तो फिर मुश्किल हो जाती है, तो इसीलिए मैं नहीं कर पाती हूं। तो नाश्ता तो सबका हो गया, उसके बाद चाय भी मैंने पी लिया था और मैंने भी नाश्ता कर लिया था। जो लंच हुआ वो लंच मैं आपको नहीं दिखा पाई, नहीं रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि आज गोलू भी घर पे था तो वो ज़्यादा ही परेशान करता है कुछ घर पे रहने पे। तो ये अभी है लगभग 2 बजे का टाइम है, जो सारा काम ख़त्म करने के बाद, लंच वगैरह करने के बाद मैं आयरन करने लगी थी कपड़ा, और सारे कपड़े उठा कर ले आई थी जो सूख गए थे, और जो नहीं सूखे थे वो मैंने बाहर ही रहने दिया। और फिर अभी आयरन करने के बाद मेरा काम लगभग कुछ ख़त्म हो जाएगा और मैं थोड़ा आराम कर पाऊँगी। फिर मुझे एडिट भी करना होगा वीडियो, और फिर बहुत सारा काम होता है इस तरह से। तो बारिश भी अभी शुरू हो गई थी, ये देखिए बारिश हो रही है, अचानक सा बारिश शुरू हो गई। तो मैं दौड़ के चली गई थी कपड़े उठाने के लिए, जो कपड़े सूखे हुए थे वो मैंने ले आए। तो फिर से मैं आयरन करने के लिए बैठ जाती हूँ, फिर ये आयरन हो जाएगा, उसके बाद मैं थोड़ा रिलैक्स कर पाऊँगी और थोड़ा हो सके तो आराम कर लूँगी, क्योंकि आराम भी ज़रूरी होता है। सुबह से लेकर शाम तक हम काम नहीं कर सकते हैं, हमारे शरीर को भी हमें थोड़ा आराम देना चाहिए। तो बस आज का इतना ही है, और कल से शुरू होने वाली है सावन की पहली सोमवारी। तो सावन वैसे शुरू हो चुका है, पर कल सावन की पहली सोमवारी है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग पहली सोमवारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मुझे तो कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मैं नहीं कर सकती हूँ पहली सोमवारी। तो दूसरी के बाद मैं करूँगी, मतलब दूसरी, तीसरी, चौथी, जितनी भी होगी आगे मैं सारी करूँगी। और मंदिर जाऊँगी, पूजा करूँगी भोलेनाथ की। मैं भोलेनाथ को कुछ ज़्यादा ही मानती हूँ और उनकी पूजा करती हूँ। लगभग हर सोमवार को मैं जाती हूँ, पर कोई कोई सोमवार ऐसा होता है जब मैं नहीं जा पाती हूँ। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसा करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बज चुके हैं, दिन के 3 बज चुके हैं और मेरा काम लगभग सब कुछ ख़त्म हो गया है। बस शाम का कुछ काम बाकी, सबने खाना वगैरह खा लिया है और बर्तन वगैरह मैंने धो लिया है, मैंने भी खाना खा लिया है। और गोलू इधर सो रहा है, आप अगर देख सकते हैं तो इधर गोलू सो रहा है। और मैंने कपड़े आयरन कर लिए हैं, जो कपड़े सुखाए थे वो सब सूख गए हैं, कपड़े आधे सूखे हैं आधे नहीं सूखे हैं। आज मौसम बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, क्योंकि थोड़ी देर बारिश, फिर थोड़ी देर धूप, फिर थोड़ी
बारिश फिर थोड़ी धूप, तो इस तरह से कपड़े निकालते अंदर करते निकालते बस मेरा दिन आज गुजर गया, इसी में आधा दिन इसी में गुजर गया। और कपड़े मैंने बहुत ज़्यादा धो रखे थे और कुछ कपड़े सूखे कुछ नहीं सूखे हैं, पर कोई बात नहीं, अब जो जितना सूखना था वो सूख गया है। और अभी घर में अगर डाल देंगे पंखा के नीचे तो सारा लगभग सूख ही जाएगा। और बस आज का दिन ऐसा ही रहा और संडे मेरा ऐसे ही बीतता है भाग दौड़ में और काफ़ी सारा काम करते हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। और अगर आपका साथ मिला, आपका प्यार मिला, तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी, वरना तो आपके बगैर कुछ नहीं है। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए।